इसराइल लेबनान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच पिछले 45 दिन में फोन पर ये दूसरी बातचीत है। इससे पहले 16 अगस्त को दोनों नेताओं ने फोन पर बात हुई थी। उस समय भी पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हमास से युद्ध खत्म करने को कहा था। साथ ही सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम पर भी जोर दिया था।